अरे भाई साहब, अगर जेब में है ना कमाल तो फिर यहाँ पे ही मचेगा धमाल। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है जी नॉनवेज लवर के लिए बहुत ही खास, क्योंकि आज की वीडियो में देसी घी के मटन, चिकन और भाई साहब मुगलाई नॉनवेज और भाई साहब लग्जरी मटन, जबरदस्त वाले नजारे हैं। वीडियो को एंड तक देखो, मजा आएगा। चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक, भाई साहब शेयर कर दो। तो लो जी दोस्तों, सबसे पहले ये देखो जी नॉनवेज हेवन चेक करो, बड़ी बड़ी पराठे चेक करो। पहला जगह पहुंचा जी चाचा जी बोटी वाले। चाचा जी नमस्कार, क्या हाल चाल है चाचा जी? जगह चाचा जी बन गए आप? चाचा जी क्या ऐसा मुगलाई खाना खिला रहे हो, लोग दीवाने हुए पड़े हैं। और भाई साहब ये देखो जरा, दो ही पीस ब्लेंड के चाप से नली, ये सारा का सारा मटन लगा हुआ है। मटन लगा जी, आएगा जी टिक्का बोनलेस। ये देखो जी बोनलेस करोगे ड्राई मिल जाएगा, नहीं चाहोगे मीन मिल जाएगा। मतलब ग्रेवी में चाहोगे तो ग्रेवी में मिल जाएगा। चाचा जी एक बार दोबारा दिखाओ जरा, बोटियां दिखाओ जरा। ये चेक करो जी, बोटियां चेक करो, एकदम बढ़िया भाई साहब मुगलई स्टाइल, तवे लगे हुए हैं एकदम बढ़िया वाले। जो दो ही तरह के पीस मिलेंगे, एक चाप मिलेगी और एक नली मिलेगी। क्या ही बात है जी, क्या ही बात है। अगर आप हड्डी वाला नहीं खाना चाहते हो तो भाई साहब आप खा सकते हो जी बोनलेस। ये देखो जी बोनलेस। और भाई साहब ये मटन का स्टॉक चेक करो, एकदम बढ़िया रोगन बन के ऊपर आया हुआ है, जबरदस्त वाला। और कहते हैं इधर क्या? अरे भाई साहब, इसको कहते हैं जी असली चिकन मसाला। क्या ही बात है भाई साहब, एकदम जबरदस्त, मुंह में पानी आ रहा देखते ही। चाचा जी जबरदस्त खुशबू है, जबरदस्त मसाले के साथ ही आपने चिकन तैयार किया जी। और चाचा जी और क्या होता है? चिकन बिरयानी। अरे भाई साहब ये हटा जी पड़दा, ओहो क्या ही खुशबू आई है यार। आहा, ये धुएं चेक करो भाई साहब, जबरदस्त वाली खुशबू। और ये देखो लेग पीस, लेग मिलेगा या विंग मिलेगी बात? इसमें लेग और विंग होगी बस। क्या ही बात है जी, जबरदस्त जी जबरदस्त। बहुत बढ़िया खिले खिले राइस हैं और एकदम बढ़िया जबरदस्त खुशबू के साथ। चेक करो जरा चिकन बिरयानी चेक करो। और क्या होता है चाचा जी? मटन की रोटी। चलो चाचा जी अंदर चलो, सीधा दिखाओ। ये देखो जी हमारे जी मटन गलोटी, चिकन गलोटी, मटन गलोटी कबाब और चिकन गलोटी कबाब। भाई साहब चेक करो परात की रंगत चेक करो, ये है असली मुगलई फूड। कहते ये सारा का सारा झटके में ही बनता है, ये हलाल का कोई काम नहीं है, पक्की बात है। और चेक करो भाई साहब, अगर आप मुगलई खाने के दीवाने हो तो भाई साहब झटका ढूंढ रहे हो तो ये चेक करो, एकदम बढ़िया परात की रंगत। ये चिकन सीख दोनों अपने खुद बनाते। क्या बात है, मटन सीख भी होती है और चिकन सीख भी होती है। और इधर क्या बन रहा है चाचा जी? ये मुगलई परांठा बन रहा है, उल्टे तवे का परांठा, उल्टे तवे का परांठा बन रहा है। भाई साहब चेक करो जी, तवा उल्टा और साथ में परांठा। भाई साहब ये देसी घी में बनता है चाचा जी? क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। इसकी रंगत जो है वो मेरी नजर से हट नहीं रही है। अरे भाई साहब इसके ऊपर भी देसी घी, क्या ही बात है यार, नजारा एकदम जबरदस्त वाला। अरे भाई साहब नदियां बहेगी देसी घी की यहाँ पे तो, एकदम बढ़िया नजारा भाई साहब गलौटी का बाब। और इधर भी चेक करो जी, इधर भी आ गया देसी घी। चाचा जी हमारे लिए भी लगा दीजिए गलौटी का बाब। चाचा जी एक एक आइटम तो सारी होनी चाहिए टेबल पे, तो आइए भाई साहब सब कुछ एक एक आइटम लगवाते हैं और आपको सीधा मिलते हैं जी टेबल के ऊपर। तो भाई साहब दूर कहां, जरा पास आओ आज, आज दूर मत जाओ। ये देखो नॉनवेज हेवन का ही नजारा, इसको कहते हैं नॉनवेज नजारा, सारी शानदार आइटम है। ये देखो जरा गलौटी कबाब चेक करो, जरा गलौटी कबाब ना पास से चेक करना। ये देखो मैंने फिंगर लगाई और मलाई, ये कहते हैं ना डेरी मिल्क सिल्क वाली, ये वैसे। ये देखो ओए होए 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 भाजी, इसकी इनकी ये कबाब भी ना, ये देखो ये मटन सीख कबाब, ये हैंडमेड है, ये चिकन सीख कबाब। बाजार में मिलती है ना प्रोसेस वाली, वो नहीं है, हैंडमेड कबाब है ये। मटन ले लो और चिकन ले लो, बिरयानी आ गई, मटन आ गया, चिकन आ गया, उल्टे तवे का परांठा आ गया भाजी। बिल्कुल जी भाजी, उठाओ जरा परांठा। लो जी एक बाइट आ गई, देसी घी का परांठा है भाजी। दूर नहीं जाना, इधर आना, इधर इधर आओ जरा। ये देखो जरा, हाँ हाँ हाँ, इसको कहते हैं जी मलाई। ये देखो देख रहे हो भाजी, मलाई एक मटन एक चिकन, साथ में हल्की सी ग्रेवी लेना चाहते हो ले लो भाई साहब, साथ में चटनी और प्याज भी है। ये लो बाइट, आओ जी भाजी, चेयर जी। पता ही नहीं लगा कहाँ चला गया भाजी। मैं कह जी बाइट मुंह में गई और आप खो जाओ, ऐसा स्वाद है, जबरदस्त स्वाद है जी। आओ भाई साहब अब आ गई जी मटन की बारी, इधर आओ। ये रोगन देख रहे हो, ये सारा अपना स्टॉक है मटन का, जबरदस्त वाला स्टॉक है जी। लेकिन मैं ना आपको जरा पीस दिखाता हूँ, ये देखो जी नली वाला पीस देखो। मैं कहता हूँ जी नज़ारा पता क्या होता है, वेल कुक्ड जो मटन होता है ना उसकी निशानी पता क्या होती है, हड्डी तक रंग जो है वो चढ़ जाता है जी, एकदम बढ़िया नली वाला पीस है। और चिकन देखो कितना टेंडर है, ये देखो जरा एकदम मलाई मखमली है भाजी।
ये ले, ये लो जी, ये लो, ये आई थी मटन। ये देखो भाजी, चिकन देखो भाजी, मटन ही दिल जीत लिया। क्या ही फ्लेवर है, क्या ही स्वाद है, जबरदस्त। और देखो भाई, मटन है ना हड्डी को छोड़ दिया है, इतना पका हुआ है। मैं कहता हूँ वेल टेंडर। ये देखो पास से देखो, लेग पीस इधर आओ, ये देखो मसाला देखो, नाम मसाला चिकन है तो मसाला भी वैसा ही होगा, जबरदस्त है भाई साहब। ये देखो एक लो बाइट भाजी, आप इसकी बाइट लो, मैं लेता हूँ सीख कबाब। ये देखो ये चिकन सीख कबाब। कुल मिला के ना भाजी, हर जायके में से आवाज एक ही निकलती है, वाओ वंडरफुल डिलीशियस यम्मी स्वाद। हरियाणा का एड्रेस बता दो भाई। सूर्य प्लाजा जनकपुरी मार्केट है, सूर्य प्लाजा, ये साथ में देखो मदर डेयरी का बूथ है, उसके साथ ही लगती है चाचा बोटी वाला की कार्ट। छोटी सी बात बताऊं, गूगल मैप पे भी लिखोगे ना चाचा बोटी वाला तो पहुंच जाओगे भाई साहब। ये बढ़िया, अगला इससे भी ज्यादा बढ़िया, चलो मेरे साथ आओ, मजे लेते हैं। आ जाओ तो दोस्तों, नेक्स्ट हम पहुंच चुके हैं जी प्रीतम मीट वाला मायापुरी के अंदर। देसी घी वाला मुर्गा और देसी घी वाला बकरा। भाजी सत श्री अकाल, क्या हाल है? सत श्री अकाल जी, ठीक है। भाजी बड़ी तारीफ सुनी है मैंने आपकी, सबसे पहले तो शुक्रिया आपने टाइम दिया मुझे जी। और भाई साहब बिल्कुल देसी घी में बनाते हो भाजी? देसी स्टाइल से देसी बकरा, क्या बात है भाजी। कब से खिला रहे हो? अरे 40 साल हो गए। 40 साल से खिला रहे हो, क्या बात है भाजी। एक बार रंगत दिखा दो जरा, ये भाई साहब जरा पास से चेक करो, कढ़ाई की रंगत जो है वो एकदम बढ़िया। और ये सारा रोगन जो है भाजी देसी घी का? देसी घी का जी, और बकरे का भी अपना, बकरे का अपना स्टॉक भी है, और बहुत बढ़िया। भाजी अंदर वाली साइड पे बड़े 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 बर्तन पड़े हैं सर। अंदर आ जाइए, अंदर आऊं मैं? अंदर आ जाइए। क्या बात है, प्लेट्स पे प्लेट्स लग रही हैं। इधर उस्ताद जी ने तंदूर संभाला हुआ है, रंगत जो है, जो सेटअप जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। भाई साहब अंदर वाली साइड पे चलता हूं, मैं आपको दिखाता हूं जायका। तो भाई साहब अंदर वाली साइड पे हम आ गए हैं। सबसे पहले पतीले का साइज चेक करो, और ये देखो जी सारा का सारा इसमें मटन पड़ा है। और भाई साहब बिल्कुल देसी मटन है, और देसी घी की ग्रेवी है। और ये पीस चेक करो, चांप के पीस, नली के पीस, गोल पीस, सब मिलेंगे भाजी, सब मिलेंगे जी। भाजी जो मर्जी अपनी चॉइस का ले सकते हैं सर, होना चाहिए मेरे पास जो होगा ना देंगे। जो पड़ा है अवेलेबल है वो मिल जाएगा, अपनी चॉइस का कोई भी पीस ले लो। क्या बात है भाजी, आगे क्या पड़ा है जी, आगे भी दिखा दो। चिकन है जी, ये देखो भाई साहब एकदम मसालेदार रसीला चिकन है भाई साहब, ये भी देसी घी में बनता है भाजी। और इसका भी पीस अपनी चॉइस से कोई भी ले सकते हैं। और इधर क्या है भाजी? सर ये कीमा कलेजी है। कीमा कलेजी चेक करो भाई साहब, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, जबरदस्त है भाई साहब। और भाजी क्या ही खुशबू आ रही है, क्या ही वाइब आ रही है भाजी। खिला दोगे हमें भी? खिलाएंगे जी। भाजी लगा दो हमारे लिए मटन की प्लेट लगा दो, और चिकन की प्लेट लगा दो यार। और भाई साहब ये आ गया जी मटन के समंदर में से, मैं बोलूंगा जी पूरा समंदर बनाया हुआ है यहाँ पे देसी घी का, उसमें से आ गया जी दो पीस हमारे लिए। और ये क्वार्टर लगा रहे हो? ये क्वार्टर मीट है जी। फुल प्लेट आपने बताया 1000 रुपए की है? फुल प्लेट 1000 रुपए की है, वाली प्लेट आपके 300 रुपए की है। और मटन कितने का भाई, ये क्वार्टर कितने का? 300 रुपए का जी। 300 रुपए का ये क्वार्टर मटन है जी। ये चेक करो, ये हमारी प्लेट लग गई जी। और इस प्लेट में आ गए जी चिकन के दो पीसेस, ये चेक करो, ये भी चिकन क्वार्टर भाजी? जी क्वार्टर चिकन है जी। बहुत बढ़िया भाजी, ओ देखो जी उधर से पीतल के बर्तन में सब कुछ बनता है, ऊपर से मसाला आ गया चिकन का, और ग्रेवी जो ऊपर ऐड की जाएगी जी मटन की। रंगत एकदम बढ़िया बड़ी, और एकदम जबरदस्त गार्निश कर दिया जी धनिया के साथ। और इधर आ गई जी तंदूर में से कड़क चपाती एकदम बढ़िया वाली। तो आइए जी टेबल पे चलते हैं, और ये जायका चखते हैं, और आपको स्वाद बताते हैं जी प्रीतम मीट वाला मायापुरी के अंदर। दोस्तों ये आ गया जी देसी घी वाला देसी मटन आ गया, और इधर चेक करो जी ये आ गया जी देसी घी वाला देसी चिकन। और भाई साहब लेग पीस चेक करो, और ये आ गई जी साथ में कड़क चपाती। ये जो कॉम्बिनेशन है ना ये बहुत ही बेस्ट है। और आज ये जी हमारे साथ दिल्ली शहर के किंग, वेस्ट दिल्ली के किंग, मैं कहता हूँ जी फूड हंटर जी। तो भाई कहा जाता है लंच के टाइम पे ना दिल्ली में अच्छा मटन चिकन नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता भाई साहब? मायापुरी में आना पड़ेगा, यहाँ मिलेगा। ये देखो लेग पीस आया, और ये आ गई जी लेग पीस की एक बड़ी सी बाइट आ गई। भाजी जरा पास से दिखाओ, दूर ना जाओ, इधर लाओ, जरा इधर लाओ। ये देखो ये आ गई जी ग्रेवी में डिप करके एक बड़ी सी बाइट। लो जी भाजी रेडी है जी? जी भाजी खा रहे हैं मटन, और मैं खा रहा हूँ जी चिकन। क्या बात है भाजी, चिकन ना इतना वेल कुक्ड है, इतना टेंडर है, मैं कहता हूँ हाथ लगाता हूँ पीस हाथ में आ जाता है। और ग्रेवी के अंदर जो मसालों का खेल खेला गया ना, मैं कहता हूँ जी लाजवाब है भाजी। आप बोली जाओ, और मैं भाई यार नहीं हो रहा मेरे से। भाजी खाने पे ध्यान है जी। कुल मिला के मैं आपको इतनी बार बता देता हूँ कि ग्रेवी ना एक ही बाइट जब मुंह में जाती है तो एहसास दिलाती है कि घंटों तक इसको पकाया गया है धीमी आंच के ऊपर कड़ कड़ के। ये देखो एकदम गाढ़ी ग्रेवी है, और भाजी जो देसी घी की खुशबू आ रही है, क्या बात है, जबरदस्त है। और ये देखो मसाले और ग्रेवी ना मिक्स है, ऐसा नहीं है कि मसाला अलग है ग्रेवी अलग है, एकदम लखपत है भाई साहब। ग्रेवी अलग नहीं नजर आएगी आपको कि मसाले नीचे बैठ जाए, तो रसभरी ग्रेवी है, मैं कहता हूँ जी नज़ारेदार है। मायापुरी के अंदर आना जी प्रीतम मीट वाला, गूगल मैप पे भी सर्च करेंगे इजिली पहुंच जाएंगे। बढ़िया लगा ये जायका? अरे भाई साहब चलो ना अभी अगला और भी बढ़िया लगेगा, आ जाओ मेरे साथ। तो लो जी दोस्तों अगला जायका आ गया जी आपके लिए लग्जरी मटन। ये चेक करो तवे के ऊपर एकदम बढ़िया सा राड के दिया जाता है जी मटन। और ये जी बंटी भैया मेरे साथ, BMW लग्जरी मटन। भैया जी क्या हाल चाल है? बस सत श्री अकाल जी। भैया जी
भैया जी टॉप थ्री अगर नाम आता है तो बंटी जी का नाम ना आए, BMW का नाम आए तो फिर बात नहीं बनती जी। बिल्कुल ठीक है जी। और भैया ये लग्जरी मटन बन रहा है जी? हाँ लग्जरी मटन सबसे बेस्ट मटन है मेरे यहाँ का। भैया सबसे बेस्ट मटन यही है? हाँ जी हाँ जी। मुझे एक चीज बता दो ये है कितने का, प्राइस बता दो जरा। सर 1000 पर प्लेट है ये। 1000 पर प्लेट, कितने पीस होते हैं उसमें? 4 पीस होते बड़े बड़े। आप पूछे एक्सपेंसिव क्यों है, क्योंकि एक पीस का वेट 110-120 ग्राम का होता है। भाई साहब ये प्लेट 4 पीस की प्लेट जो है वो लगने वाली है आपके सामने लाइव बनेगा, और जल्दी से कमेंट करो। और ये देखो इसका जो ग्रेवी का कलर आप देख रहे हो ना, ये बनने के बाद ये देखो जी इस शेप में आ जाएगा, इस कलर में आ जाएगा, एकदम गाढ़ा हो जाएगा। और भैया राड़ राड़ के खुद अपने हाथों से सारा चिकन खिलाते हैं जी। और इसका नाम लग्जरी भाजी महंगा है इसलिए रखा हुआ है या टेस्टी इसलिए रखा? नहीं सर, मेरा मटन लगभग 1000 प्लेट ही है। नाम इसलिए अच्छा लगे कि एक तो बढ़िया टेस्ट हो, बढ़िया क्वांटिटी हो, नाम भी अच्छा रहो और काम भी अच्छा करो सर। यह बात है जी। तो BMW मैं कहता हूँ महंगी गाड़ी का नाम है और महंगे मटन का नाम है लग्जरी मटन, बंटी भैया का मटन। और भाई साहब मैं जब भी दिल्ली आता हूँ मेरा तो फेवरेट है, मैं एक बार भैया से मिलके ये खा के जरूर जाता हूँ। और भाई साहब ये देखो सारी मेकिंग जो है वो आपके सामने की जाती है। देसी घ्यो ये देखो जी, ये आ गया जी देसी घ्यो सबदा प्यो है जी। जी जी क्या ही बात है जी, नज़ारा एकदम बढ़िया और खुशबू जो है वो एकदम लाजवाब निकल रही है जी, जबरदस्त है जी, जबरदस्त लुक के साथ। ये देखो जी कलर जो है एकदम चेंज होना स्टार्ट हो गया, जैसे जैसे ये मटन जो है तवे के ऊपर रोस्ट किया जा रहा है तो भाई साहब कलर चेंज हो रहा है। ये देखो पीस चेक करो जरा, भैया कहते हैं पीस का साइज चेक करो, 110 ग्राम से पीस कोई कम नहीं होगा। क्या ही बात है जी, क्या ही बात है। और भाई साहब नॉनवेज लवर को ना जल्दी से शेयर करो ये वीडियो, क्योंकि ये तवे की रंगत जो है ना भाई साहब, तवे वाले नॉनवेज स्पेशली दिल्ली में ढूंढे जाते हैं। और ये ऊपर से आ गया जी धनिया आ गया, और भाई साहब ये जो वाइब है, ये जो खुशबू है, ये जबरदस्त एकदम बढ़िया वाली। सर नेगेटिव कमेंट्स में ना जाएं, आके एक बार ट्राई करें, महंगा जरूर है, खाएंगे तो पता लगे क्वालिटी खाई आपने। बिल्कुल भैया, आपको ये लगे पक्के पैसे हमारा वेस्ट नहीं गया। बिल्कुल, नेगेटिव कमेंट्स को आप छोड़िए, आके फिजिकली आइए और ट्राई कीजिए। मतलब लोगों की कहीं सुनी बातों में मत जाओ जी, खुद आओ ट्राई करो जी। बहुत बढ़िया जी, ये देखो जी जरा पास से फिर से देखो, एकदम जबरदस्त खुशबू है भाई साहब। अगर कोई सॉफ्टवेयर ऐसा होता मैं वीडियो के अंदर कोई खुशबू डाल के भेज पाता तो भैया लोग चले आते अभी के अभी। जी बिल्कुल जी, जबरदस्त है जी। और भाई साहब ये चेक करो, एकदम बढ़िया लग्जरी मटन की प्लेट जो है हमारी रेडी है, और इस प्लेट का प्राइस भैया 1000 रुपया जी। 1000 रुपए तो भाई साहब 1000 रुपए की ये प्लेट है 4 पीस मटन के, और ये BMW का लग्जरी मटन हमारा रेडी है जी। जी बहुत ही बढ़िया, आइए जी स्वाद चखते हैं और आपको जायका बताते हैं जी कैसा होने वाला है। भाई साहब 1, 2, 3 और 4 पीस मटन के 1000 रुपए का लग्जरी मटन, वो भी BMW वाला। भाई साहब मैं कहता हूँ जी यहाँ पे BMW गाड़ियाँ आती हैं ये मटन खाने के लिए, लग्जरी मटन है तो प्राइस भी लग्जरी होना बनता है भाई साहब। अगर स्वाद लग्जरी हुआ ना तो भाई साहब समझो फिर बात बन गई। ये देखो जी साथ में दी जाती है जी तवा की रोटी, एकदम पतली वाली, एकदम मतलब जैसे तवे की घर पे रोटी बनती है ना वैसी रोटी है। आइए जी बाइट लेते हैं जी, और आपको ना मटन के नज़ारे दिखाता हूँ भाजी, ज़रा पास से दिखाना, आज दूर मत लेके जाना। ये देखो ये मटन है ना, ये देखो जी हड्डी से एकदम अलग, मैं कहता हूँ जी हाथ लगाते ही मटन के पीसेस जो हैं वो हड्डी से अलग हो जाते हैं। वेल टेंडर है, वेल कुक्ड है, और ये लाल रंग की ग्रेवी का मसाला, ये लो जी बड़ी सी बाइट। मैं कहता हूँ जी टू गुड वाला स्वाद है, जायका था कमाल। ऐसी लाल ग्रेवी आपको पूरी दिल्ली शहर में कहीं नहीं मिलने वाली, सिर्फ और सिर्फ मिलेगी लग्जरी मटन के अंदर भाई साहब BMW वाले। आना गया जी, आना जी आपको पश्चिम विहार में BMW चिकन वाले, नोट कर लो, नाम लिखना और सीधा यहाँ पहुँच जाना, बिल्कुल डायरेक्ट एग्जैक्ट लोकेशन पे आप पहुँचोगे। तो मैं तो कहता हूँ जी तीनों जो थे वो मेरे फेवरेट थे, तीनों की आइटम अलग ही थी, अलग ही स्वाद था। पहला आपको दिखाया जी भाई साहब वो था जी एकदम बढ़िया मुगलई स्वाद, दूसरा था भाई साहब देसी घी वाली ग्रेवी वाला सरदार जी का स्पेशल मटन और चिकन, और भाई साहब ये चेक कर लो, ये आपको दिखाया जी एकदम मसालेदार। तो भाई साहब तीनों अलग थे, तीनों जायके अलग थे, तीनों में से आपके कौन से बढ़िया लगे जल्दी से कमेंट करके आप बताओ, क्योंकि आपके कमेंट की वेट रहती है, आपके लिए वीडियो है तो आपका इंतजार रहता ही है दोस्तों। तो प्यार आप देते रहो, हम तीनों वीडियो लेके आ चुके हैं, इनमें से कौन सी बेस्ट है जल्दी से बता दो। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय दोस्तों।